नमस्कार। चलिए आज हम पढ़ते हैं एंगल। तो पिछले बार हमने एंगल्स पढ़ा था और हमने पढ़ा था पॉइंट, रे और लाइन एंड लाइन सेगमेंट। अगर आपने पिछली बार वीडियो नहीं देखा है तो उसे हम प्लीज देख लीजिएगा। अब चलिए आगे हम देखते हैं कि जब एंगल्स मिलकर जब एक ट्रायंगल बनाते हैं या फिर एक रेक्टेंगल बनाते हैं तो उस एंगल का नाम किस प्रकार दिया जाता है। जैसे कि हमने देखा था पिछली बार कि हमारा जो एंगल्स बना था ये हमारा जो एंगल बना ये इस प्रकार हमने एंगल बनाया। अब ये एंगल है तो इसके हम नाम, तो इस एंगल को हम नाम कैसे देंगे, क्या नाम देंगे। तो इसका जब हम यहाँ तो यहाँ एक पॉइंट है, हम इसके नाम दे नामकरण करते हैं। तो हम अल्फाबेट के कोई भी नाम दे सकते हैं, अल्फाबेट का कोई भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया ABC, ABC। अब देखिए जो यहाँ पे जो कोण बना, जो एंगल बना, इसके नाम हम इस प्रकार करते हैं। जहां पे कोण बनता है, जहां पे एंगल बनता है, वो उसको बीच में रखा जाता है। तो कोण, कोण जो एंगल होता है, एंगल का जो जो सिंबल होता है वो इस प्रकार होता है। अब इसे हम इस प्रकार इसका नाम देते हैं ABC। क्यों? क्योंकि यहाँ बी, जो ये बी है वो पॉइंट है और इस बी पॉइंट जहाँ पे एंगल बना उसे वर्टेक्स बोलते हैं। उसे क्या बोला जाता है, वर्टेक्स। यानी कि वर्टेक्स जो हाँ पर एंगल बनता है, जहां पे वर्टेक्स मतलब जहां दो लाइन जुड़ती है, जहां पे ये ए लाइन, ए बी लाइन और ये सी बी लाइन यहाँ पे जुड़ती है, तो उसे बोला जाता है वो इस पॉइंट को बी पॉइंट को क्या बोला जाता है, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स पे क्या होती है, दोनों लाइन आकर आपस में जुड़ती है और वहीं पे एंगल बनता है, वहीं पे क्या बनता है, एंगल बनता है। तो इस एंगल को हम क्या नाम देते हैं, इस एंगल को जब नाम देंगे तो जहां पे जो वर्टेक्स होगा वो बीच में होगा और जो लाइन ए बी सी यहाँ पे हमारा बीच में एंगल बना है। इसी प्रकार अब आप इसका नाम उल्टा भी दे सकते हैं। कैसे देंगे, तो यहाँ हम इसकी जो नामकरण है जो हम उल्टा कर सकते हैं। तो एंगल का निशान दे के हम क्या करेंगे, CBA, क्या करेंगे, CBA। क्यों? क्योंकि हम इसे उल्टा भी लिख सकते हैं, CBA या ABC, ABC या CBA, CBA, ठीक है। अब देखिए, अब हम एक ट्रायंगल देखते हैं, अब हम एक ट्रायंगल देखते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल है तो हम इसके यहाँ पे दो दो एक वर्टेक्स है, यहाँ एक वर्टेक्स है और यहाँ एक वर्टेक्स है। जहां जो दो दो, दो लाइनें मिल रही है तो वो क्या है, आपस में जहां पे दो लाइनें मिल रही है वहां पे हम उसका नाम देते हैं। हर वर्टेक्स का अपना अपना नाम होता है, ABC, ठीक है, ABC। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक ट्रायंगल बन चुका है। अब ट्रायंगल है तो इसमें ये जो है, ये इसकी जो लाइन है, इसे अब ट्रायंगल में क्या बोला जाता है, साइड्स बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं, साइड बोलते हैं या फिर आर्म बोलेंगे, आर्म बोलेंगे या साइड बोलेंगे, आर्म या साइड। अब देखिए, अब इसके इस साइड का नाम क्या देंगे, नाम देने के लिए तो जहां से वो शुरू हुआ है, जहां से ये शुरू हुआ है यानी ए से शुरू हुआ है और ये बी तक जा रही है ये साइड, ये जो आर्म है, फर्स्ट आर्म, सेकेंड आर्म, थर्ड आर्म, किसी को भी हम फर्स्ट ले सकते हैं, किसी को भी सेकंड ले सकते हैं, किसी को भी था। तो चलिए हम इसको ए भी कर सकते हैं। जैसे कि हम कहीं जाते हैं, इसका फर्स्ट आर्म हो गया, सेकंड आर्म हो गया बीसी और थर्ड आर्म हो गया सी। अब देखिए इसका, इसे उल्टा भी लिख सकते हैं, इसे उल्टा कैसे लिख सकते हैं, ये ए भी लिख सकते हैं और बी ए भी लिख सकते हैं, बी ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हम इसे बीसी भी लिख सकते हैं और सीबी भी लिख सकते हैं, सीबी भी लिख सकते हैं, उसी प्रकार सीए भी लिख सकते हैं और एसी भी लिख सकते हैं। उल्टा पुल्टा सब एक समान होता है। क्यों? जैसे कि हम कहीं से कहीं जगह पे जाते रहते हैं, अगर हम कोई भी जगह पे जा रहे हैं, यानी कि रायगढ़ से मान लीजिए कि हम अंबिकापुर जा रहे हैं, तो हम उस रास्ते का नाम देते हैं रायगढ़ टू अंबिकापुर, या फिर अंबिकापुर से जब आते रहता है तो रास्ता तो वही रहता है, अंबिकापुर टू रायगढ़। देखते हो अक्सर बस वाले भी नाम देते हैं तो क्या करते हैं कि रायगढ़ टू अंबिकापुर, और जब फिर जब वही बस
रिटर्न होती है तो उसका नाम कुछ उल्टा कर देते हैं, अंबिकापुर टू रायगढ़। तो उसी प्रकार जगह वही रहता है, दूरी वही रहती है, प्लेस वही रहता है, बस नाम क्या हो जाता है, चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमने क्या किया, ए बी और बी ए, बी सी, सी बी, ए सी ए और ए सी, नाम बस वही है, जगह वही है, नाम बस उलट दिया गया। तो अब आप देखा कि हमने साइड का नाम जान गए, हम अपने साइड को नाम दिया ये साइड या आर। तो एक एंगल जो एक ट्रायंगल होता है उसमें कितने साइड्स होते हैं, तो थ्री साइड्स होते हैं। एक ट्रायंगल में कितने साइड्स हुए, ए साइड, ये देखिए हमारा जो ए साइड्स हैं, ए साइड्स हो गए हमारे, थ्री साइड्स हो गए। अब देखिए यहाँ पे हर हर पॉइंट पे एक वर्टेक्स है, जहां पे दो ए दो लाइन आपस में मिलती है वहां पे वर्टेक्स बनता है और वहां पे एक एंगल बनता है, वहां पे क्या बनता है, एक एंगल बनता है। तो ये हमारा एंगल हो गया, ठीक है। अब इस एंगल को हम क्या नाम दें, तो देखिए एक तो हमारा जो हो गया ये वर्टेक्स को देखते हैं, वर्टेक्स, तो हमारा वर्टेक्स को देखेंगे तो क्या हो गया, जहां पे दो लाइन मिलती है वो वर्टेक्स हो, तो ए वर्टेक्स हो गया, बी हो गया और सी, मतलब कि हमारे जो यहाँ पे भी हमारे तीन वर्टेक्स बने। एक ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स बने, थ्री ट्रायंगल में थ्री वर्टेक्स बने। अब देखिए हमारा फिर एंगल कितने बने, तो अब हम देखेंगे एंगल, एंगल्स कितने बने। तो देखिए यहाँ पे ये लाइन ए बी लाइन आकर बी सी में जुड़ती है, तो यहाँ पे एक एंगल बनना है, बी सी लाइन और सी ए लाइन मिलकर यहाँ एक एंगल बनाती है, और सी ए और ए बी मिलकर क्या यहाँ एक एंगल बनाती, तो यानी कि हमारे एक ट्रायंगल में थ्री साइड्स, थ्री वर्टेक्स और थ्री एंगल बन रही है। अब देखिए एंगल का नाम किस प्रकार, नामकरण कैसे करते हैं, तो जहां पे एंगल बनी है, मान लो कि ये एंगल बनी है, यहाँ पे जो साइड्स हैं, क्या क्या साइड्स हैं, सी ए और ए बी, सी ए और ए बी, तो जब सी ए और ए बी मिलकर क्या बोलता है, एक एंगल बनाता है, तो हम एंगल लिखे को नामकरण करने से पहले उसका एंगल का सैंबल देते हैं। एंगल का सैंबल ये होता है, नीचे का लाइन जो बेस लाइन होता है वो सीधा होता है, और ऊपर में हम एक एक्यूट लाइन मतलब न्यून कोण का सैंबल देते हैं इस प्रकार, और इसका हम नामकरण कर रहे हैं। तो इसके दोनों साइड्स को लेंगे पहले, देखिए यहाँ सी से शुरू करते हैं, सी ए बी, कौन सा है, सी ए बी, जहां पे एंगल को, जिस एंगल को हम इंडिकेट कर रहे हैं उसको हमेशा बीच में लिखते हैं, उसे हमेशा क्या करते हैं, बीच में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ इस साइड दोनों मिलके क्या बनाए, एक एंगल बनाए और उसे नाम दिए सी ए बी, सी ए बी। अब चलिए हम दूसरा एंगल का नाम लिखते हैं, तो दूसरा एंगल हमारा ये तो हो गया, अब यहाँ हम इसको लिखते हैं, तो ये कौन सी लाइन से, ये साइड से, ए ए बी साइड है और बी सी साइड है, तो इसका नाम देंगे हम बी, वी वर्टेक्स पे एंगल का नाम दे रहे हैं, वी वर्टेक्स पे जो एंगल बना है उसका नाम दे रहे हैं, तो क्या करेंगे, ए बी सी, एंगल ए बी सी। देखिए अभी हम इस एंगल के बारे में लिखे, इस एंगल के बारे में लिखे, तो जो वी वर्टेक्स पे बना तो वी हमारा क्या हो गया, बीच में हो गया, ठीक है। उसी प्रकार अब हम इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए बी सी ए, एंगल का सिंबल दीजिए और बी सी ए क्या हो गया, बी सी ए, बी सी ए क्या हो गया, बी सी ए, यानी कि जब ए सी वर्टेक्स है तो हमारा सी बीच में है, जहां पे जिस वर्टेक्स पे एंगल बनता है उसे हम बीच में डालते हैं, उसे हम क्या करते हैं, बीच में रखते हैं, और जो साइड जहां से शुरू होते हैं साइड उससे हम उसके ये नाम शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ एंगल्स के भी नाम हम उल्टे लिख सकते हैं, कैसे, जैसे कि हम इसको यहाँ देखिए, इसके हम क्या किए थे, सी ए वी, हम इसका नाम बी ए सी भी लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी, बी ए सी भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इस एंगल को या तो हम यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं या यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं, हम उस लाइन को यहाँ से भी पर इस साइड से भी शुरू कर सकते हैं पढ़ना या इस साइड से भी, उसी प्रकार यहाँ पे भी हम इस एंगल को सी बी ए,
CBA. पहले हमने ABC लिखा था, अब हम CBA लिख रहे हैं, क्योंकि जो एंगल है उसके किसी भी साइड से हम लिखना उसे शुरू कर सकते हैं, या तो हम ABC भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ ध्यान बस देना कि जो वर्टेक्स है वो हमेशा बीच में आना चाहिए। देखिए यहाँ यहाँ वर्टेक्स A है तो बीच में है, यहाँ वर्टेक्स A है बीच में है, यहाँ पे V है तो ये V बीच में है। वैसे ही अब हम इसे लिख रहे हैं तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एंगल VCA है तो इसे हम क्या लिखेंगे, ACB, यानी कि ACB, या तो हम A से इसको नामकरण शुरू करें, या B से BCA, या ACB, यानी कि C हमेशा जो वर्टेक्स होता है वो बीच में रहे, वर्टेक्स है वो क्या होगा बीच में होगा, और उसके साइड्स को हम किस कहीं से भी हम उसे लिखना शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार वो एक एंगल में जो एंगल में बनाई हूँ, यानी कि आप को यह जान लीजिए कि कोई भी ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, साइड को उल्टा पुल्टा हम लिख सकते हैं, साइड को उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, 3 वर्टेक्स होता है जहां पे एंगल बनते हैं, जहां पे जिस पॉइंट पे दो लाइन या दो साइड्स मिलते हैं, दो आर्म मिलते हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे क्या बोला जाएगा, वर्टेक्स। तो जहां पे दो साइड्स मिलते हैं उसे वर्टेक्स बोलते हैं, और वर्टेक्स 3 होते हैं। वैसे ही एंगल होता है तो एंगल भी एक ट्रायंगल में 3 होते हैं, जहां जहां वर्टेक्स होगा वहां वहां एंगल बनेंगे। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि एक ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, कितने साइड्स को ही आर्म बोला जाता है, तो कितने आर्म या साइड्स होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं और कितने एंगल्स होते हैं, तो और उनका नाम किस प्रकार लिखा जाता है, उनको नाम किस प्रकार आइडेंटिफाई किया जाता है। इस प्रकार आप इसे आइडेंटिफाई कीजिए, और अगले बार इस हम पढ़ेंगे कि हम एक ट्रायंगल में ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं, ट्रायंगल के और जो एंगल्स होते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और अपने चारों ओर जागरूक होकर चीजों को सोचते समझते रहिए। ठीक।